हेलो गाइस, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से मैं अनुराग आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो है हम लोग हिंदी के पहले 50 मार्क्स हिंदी, ठीक है, 50 मार्क्स हिंदी के पहले चैप्टर पंच परमेश्वर, ठीक है, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे हम लोग सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो प्रेमचंद जी की मृत्यु जो है 1936 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और प्रेमचंद जी को क्या बोला जाता है? कलम का सिपाही भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंच पद की प्रतिष्ठा व्यक्ति किससे सर्वथा मुक्त न्याय के प्रति ही उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी से, जाति से, धर्म से, संबंध से, सभी से जो है ये के लिए जो उत्तरदायी होता है। कलम का देखिए आ गया क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए जुमाराती शेख के बेटे का नाम क्या है? जुमाराती शेख के बेटे का नाम जुम्मन है, ठीक है, याद रखिएगा। पंच में किसका वास होता है? तो पंच में परमेश्वर का वास होता है, ठीक है, पंच परमेश्वर हम लोगों ने गाँव घरों में सुना भी होगा। चलिए नेक्स्ट है कि अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था? तो अलगू चौधरी जो है समझू साहू को जो है अपना बैल बेच दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम याद रखिएगा धनपत राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय, VVI क्वेश्चन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुरा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, यह उद्धरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है पंच परमेश्वर से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच परमेश्वर की जय यह उल्लेख किस पाठ में है? तो पंच परमेश्वर की जय यह उल्लेख कहाँ पे है? पंच परमेश्वर में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? तो जुम्मन की पत्नी का जो नाम था वो था कटीमन, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी थी? तो ये जो है प्रेमचंद ने लिखी थी, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपका VVI है, पूछेगा ही पूछेगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पक्के आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ वो आपका 1880 के करीब हुआ था, ठीक है। और चलिए प्रेमचंद ने लगभग अपनी कितनी कहानियाँ लिखी? तो प्रेमचंद जो है लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं, ठीक है। और जो है अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? तो अलगू चौधरी के जो गुरु थे वो जुमाराती शेख थे। नेक्स्ट है, जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी? तो खाला की जो मलकियत है वो जुम्मन ने अपने नाम लिखवा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुम्मन की खाला किसे पंच बनाया था? जुम्मन की खाला जो है वो अलगू चौधरी को जो है अपना पंच बनाए थे, ठीक है। और ये जो है अपना बैल बेचे थे किसके हाथों में? तो वो आप लोग कमेंट में जाके लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई साउथ है तो डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। चलिए शुरू करते हैं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन किसका है? तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन जो है खाला की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जुम्मन के पिता कौन थे? तो जुम्मन के पिता जो थे वो थे जुमराती शेख, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? गबन, गोदान, गबन तो है ही, गोदान भी है, चित्रलेखा नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो चित्रलेखा आपका आंसर हो जाएगा, रंगभूमि भी, ये तो यहाँ पे क्या है, गबन, गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद की लिखी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी लिखी हुई है ये याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो लम्ही में हुआ था, ठीक है। चलिए लम्ही क्या है, जिला है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो प्रेमचंद की रचना जो है पंच परमेश्वर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, गौरा महादेवी वर्मा की है। चलिए अब जुम्मन, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जुम्मन शेख की खाला कैसी थी? तो जुम्मन शेख की खाला जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।